वेस्टइंडीज ए के खिलाफ चल रहे अनधिकृत टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच में शुभमन गिल ने दोहरा शतक लगाकर इतिहास रच दिया है। त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में चल रहे मुकाबले के तीसरे दिन गिल ने दूसरी पारी में वेस्टइंडीज ए के खिलाफ दोहरा शतक लगाकर गंभीर का 17 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। गिल अब भारत की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। गिल ने ये कारनामा मात्र 19 साल 334 दिन की उम्र में किया है। उनसे पहले ये रिकॉर्ड पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा सांसद गौतम गंभीर के नाम था। गंभीर ने साल 2002 में 20 साल 124 दिन की उम्र में प्रेसिडेंट 11 की तरफ से खेलते हुए जिम्बाब्वे के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था। इसके अलावा गिल अब भारत के बाहर विदेशी जमीन पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। साथ ही कैरिबियाई धरती पर भी वे दोहरा शतक लगाने वाले कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। गिल ने अपनी इस ऐतिहासिक पारी के दौरान 81.60 की स्ट्राइक रेट से 250 गेंदों में 19 चौके और 2 छक्कों की मदद से 204 रनों की नाबाद पारी खेली। इससे पहले गिल मैच की पहली पारी की पहली ही गेंद पर डक पर आउट हो गए थे, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने हनुमा विहारी के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 315 रनों की जबरदस्त साझेदारी की। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे क्रिकेट केसरी। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।